जुलाई को रिलीज होने वाली थी वो पहुंच चुकी है अब 29 जुलाई पर। वैसे ये वो ही फिल्म है जिसके सीक्वल का आप सभी को बेसब्री से वेट था, यानी एक विलन रिटर्न्स। जहां फिल्म को पोस्टपोन करने का रीजन फिलहाल अननोन ही है, तो वहीं फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी यानी बालाजी मोशन पिक्चर्स ने हाल ही में इस बात की अनाउंसमेंट पोस्टर को शेयर करते हुए की, जहां उन्होंने मेंशन किया लव पैशन एंड रिवेंज रिटर्न्स ऑन अ न्यू डेट। हैशटैग एक विलन रिटर्न्स विल बी रिलीज्ड ऑन 29th ऑफ जुलाई, तैयार रहना। वैसे देखा जाए तो सिद्धार्थ मल्होत्रा, श्रद्धा कपूर और रितेश देशमुख को देखने के बाद तो फैंस 2014 से ही तैयार हैं फिल्म के सेकंड पार्ट के लिए, पर जब उन्हें करना होगा 3 वीक्स का और ज्यादा इंतजार। एक विलन रिटर्न्स में इस बार देखा जाएगा एक्टर्स जॉन अब्राहम, अर्जुन कपूर, एक्ट्रेसेस तारा सुतारिया एंड दिशा पाटनी को। और वही फिल्म की पूरी स्टार कास्ट ने भी इस पोस्टपोन अनाउंसमेंट को अपने सोशल मीडिया हैंडल्स से शेयर करते हुए लिखा, ब्लॉक द डेट बिकॉज एक विलन रिटर्न्स हैज अ न्यू रिलीज डेट। वैसे आपको बता दे अब ये फिल्म क्लैश करने वाली है कॉमेडी फिल्म थैंक गॉड के साथ, जहां एक्टर्स अजय देवगन, सिद्धार्थ मल्होत्रा और एक्ट्रेस रकुल प्रीत सिंह को देखा जाएगा। बट अगर एक विलन रिटर्न्स को टी सीरीज ने इन एसोसिएशन विद बालाजी मोशन पिक्चर्स प्रोड्यूस किया है, तो वही थैंक गॉड को भी टी सीरीज ने ही प्रोड्यूस किया है। और इसमें भी कोई डाउट नहीं है कि दोनों ही फिल्म्स की स्टार कास्ट भी काफी कमाल की है। बट एक विलन रिटर्न्स का स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड जरूर माना जा सकता है। एज वी ऑल नो कि 2014 में रिलीज हुई एक विलन ने वर्ल्ड वाइड 170 करोड़ का बिजनेस किया था। एक विलन रिटर्न्स की रिलीज डेट चेंज होने से श्योरली अब ये कॉम्पिटिशन बड़ा तो है ही। फॉर मोर सच बॉलीवुड न्यूज एंड अपडेट्स कीप वॉचिंग गूगल बॉलीवुड।